ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहा है, ये आगे देने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। जो लोग पहले भी दे चुके हैं एग्ज़ाम, उनके उनका तो सब कुछ पता है, जिनको पता नहीं है उसके लिए ये वीडियो है। मैं यूट्यूब चैनल में मेरा जो क्वेश्चन मतलब जो वीडियो है उनके नीचे जो कमेंट्स है वो कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और देखूंगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन है और उसका मैं आंसर करता रहूंगा। पहली सवाल ये है कितने अटेम्प्ट्स दे सकता है, तो मैक्सिमम आप जितने अटेम्प्ट चाहे आप दे सकते हैं, कोई अपर एज लिमिट नहीं है और मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। मतलब जब तक आप क्रैक नहीं कर पाए और थक ना जाए, ठीक है, तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनरली 3-4 अटेम्प्ट तो मतलब बहुत लोगों को लगता है 3-4 अटेम्प्ट, तो अगर एक बार में ना हुआ, दो बार में ना हुआ तो निराश मत होइए, आप कोशिश करते रहिए तो आगे सिलेक्शन होने का चांसेस है। तो एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि ब्रो आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम हाउ मेनी इंटरव्यूज राउंड विल बी हैपेंड एंड इन व्हिच मोड। पहले तो रिटन एग्जाम होगा और ये रिटन एग्जाम के बाद आपका ओरिएंटेशन और इंटरव्यू होगा। ओरिएंटेशन में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरव्यू में तो पूछा जाएगा ही। मतलब अगर आप रिटन क्लियर कर लेंगे तो आपका ओरिएंटेशन और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब और भी 2 राउंड है। एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि किसी भी सवाल करने के पहले, या आप इंस्टाग्राम पे हो या कमेंट्स बॉक्स में हो, आप जो सवाल कर रहे हो तो एक बार कमेंट्स बॉक्स जो है, और भी लोग ये एक ही सवाल पूछता रहता है, तो आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। हेलो, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम मूवीज़। जैसे मैंने पोस्ट में डाला, आप मेरा पोस्ट ज़रूर फॉलो कर लेना। इसके पहले मैंने जो पोस्ट डाला था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर एक डिपार्ट मतलब हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए मैं तो जो कौन सी किताब पढ़ना चाहिए वो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा लेकिन पोस्ट में डाल दूंगा। तो ऑलरेडी मैंने पोस्ट पे डाल दिया कौन सी किताब, मतलब एक किताब आपको एटलीस्ट पढ़ना है आपके डिसिप्लिन से या आपके स्पेशलाइजेशन से। तो ऐसे भी मैं एक वीडियो बनाया था जो बेस्ड सिनेमाटोग्राफी के ऊपर, जो सिनेमाटोग्राफी वर्ल्ड मूवीज़ है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और बाकी जो मूवी को क्या क्या देखना चाहिए मैं एक पोस्ट में 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा कौन सी मूवी आपको देखना चाहिए। व्हेन इज चेट 2024? अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ लोगों को अभी पता नहीं, अभी भी पता नहीं है। मतलब आज 14 तारीख है, 17 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन के, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के, अभी भी मुझे पूछ रहे हैं कि कब जेट एग्ज़ाम होगा। भाई जेट एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म, मतलब 17 तारीख को ख़त्म हो जाएगा और 6 और 7 तारीख को इसका रिटन एग्ज़ाम है। तो आप क्या कर रहे हैं पता नहीं है, मतलब सोइए मत थोड़ा। मत आप जो मैं दो यहाँ पे ग्रुप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो लोग बहुत ही एक्टिव है और आप भी किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ा रहिए तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिलना आसान हो जाता है। या तो आप रेगुलरली वेबसाइट पे चेक करिए, नहीं तो आप किसी ग्रुप में या दोस्त वगैरह के साथ ग्रुप बना लीजिए ताकि एक साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं दो ग्रुप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ग्रुप में जुड़ा रहिए। तो पहले होता था कि रिटन एग्जाम का अगर आप क्वालिफाई करें तो आपका सब्जेक्टिव जो रिटन मतलब सब्जेक्ट की जो आंसर है वो एवेलुएट किया जाता था, अभी MCQ और जो रिटन है दोनों का ही एवोल्यूशन होगा, एक अच्छी बात है। दूसरा और एक चेंज हुआ, जो क्वेश्चन डिवीशन है, मार्क्स डिवीशन है, वो मार्क्स डिवीशन MCQ और MSQ में 14 मार्क्स है, 20 है MCQ, 20 है MSQ और बाकी रिटन एग्जाम है 60 मार्क्स के। तो मार्क्स डिवीशन का भी चेंज हुआ और एवोल्यूशन प्रोसेस का भी थोड़ा चेंज हुआ। और एक बार बता रहा हूँ मैं कि अब जो क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछिए प्लीज़, ताकि ये क्वेश्चन शायद और किसी का भी हो सकता है। मतलब सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं और या मुझे पता नहीं है, कोई दूसरे को पता है, वो आपका आंसर दे देंगे। तो आपके मन में जो भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट के साथ जो हुआ था, तो मैं पिछले साल मैं वीडियो डाला था, तो वो आप एक बार डिटेल में देख लीजिए। या फिर इन शॉर्ट आपका जो वहाँ पे मूवी दिखाया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, रिटेन क्वेश्चन भी कुछ पूछा जाता है, ऐसे मतलब डिपेंड करता है पिछले साल जैसे हुआ था इस साल ऐसे होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अलग हो सकता है। काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है ये रिटेन
जैसे वो रिटेन हो गया और ये थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। डिफरेंस बिटवीन फिल्मिंग एंड ईडीएम। बेसिकली डिफरेंस ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया और फिल्मिंग, तो फिल्मिंग है इसमें ध्यान ज़्यादा दिया जाता है फिल्मिंग का, सिनेमा के ऊपर, फिल्म के ऊपर, और ईडीएम का लाइव ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, न्यूज़, लाइव ब्रॉडकास्टिंग या टीवी जो अब शो होता है, टीवी सीरीज जो होता है, सीरियल होता है, सीरियल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और वो 1 साल के कोर्स होता है, ये 3 साल के कोर्स होता है, तो थोड़ा फर्क होता है कारिकुलम में, और जो फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो है। कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या लगता है, तो बहुत बेसिक सवाल है जो आपको पता ही होना चाहिए, फिर भी बताना चाहूँगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम अब दे रहे हैं तो उस टाइम भी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट या सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। मतलब जब आप एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन होगा तब आपका सबमिट करना पड़ेगा, और वो 31 अगस्त से पहले आपका आ जाना चाहिए, नहीं तो आप मतलब उस टाइम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जेट एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, ये अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मतलब तरीका है, स्ट्रेटजी है, और मैंने कैसे क्रैक किया मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेरे जो पिछले वीडियो है शायद आपने देखा होगा। एक सीट रिजर्व है SFTI में और FTII में, जो आपका एम्बेसी के थ्रू, ICCR के थ्रू आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। FTI मतलब पुणे में ऐसे सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है आपका कोर्स, कि OBC जो NCL है उनका सर्टिफिकेट के लिए ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मतलब कब तक वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जो फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगा मतलब 17 मार्च, इसके 1 साल पहले के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर आपका OBC NCL के सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर उससे पुराना सर्टिफिकेट होगा वो आपका काम नहीं आएगा। और ओरिएंटेशन और इंटरव्यू कैसे होगा, सारे डिपार्टमेंट का जैसे पिछले साल भी हुआ था ऑनलाइन में ही होगा, बस स्क्रीन एक्टिंग का जो स्टूडेंट है उनका ऑफलाइन में होगा। बाकी अगर कुछ भी सवाल रहे इस एग्ज़ाम के ऊपर तो प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स, इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में है उसमें बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।